गाइस कैसे आप, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गेम शो में वापसी हो गई है भाई साहब की, लालू खालिद की। इनकी गेम जो किड्स शो आने वाला था वो थोड़ा डिले हो गया, जैसे कि हमें पता है भाई, वो पता है हमें, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं इनको। रिएक्शन थोड़ा ही लेट हो जाता है, थोड़ा देर हो जाता है, प्रॉपर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता रहे इनके बारे में कि रिएक्शन देते समय थोड़ा अच्छा से नॉलेज रहे, ताकि अच्छे से रिएक्शन आ पाए। तो हम सभी को फॉलो करते हैं और इनके बारे में जानते रहते हैं, और आपके जरिए हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आज देख लेते हैं इनका ब्लॉग गेम शो में हुई वापसी, सहताज इन सब के साथ लारी भाई की मस्ती। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में लारी भाई का ब्लॉग। 3, 2, 1 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एफ ब्लॉग। आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं, आज है 8 अगस्त 2021। अच्छा, 8 अगस्त 2020 को मेरी जिंदगी में एक काला सा अनमोल रत्न आया, ब्लैक गोल्ड शहद राज। और उससे पहले शहताज तो मेरे साथ थी एक महीने पहले से, जुलाई से, बट जेन्युइनली क्योंकि आपको हमारा ट्रियो पसंद है, तो हमारा ये ट्रियो जो एक साथ कोलाइड और एक साथ मिला था वो था 8 अगस्त 2020। उसको आज हो गया पूरा एक साल, और इस एक साल की जर्नी कोई रोलर कोस्टर से कम नहीं गई, इसीलिए मोबाइल भी गिर गया कराची के गड्ढे। एक सेकेंड, ओहो लारे, मुंह पे धूप भी आ रही है, एक मिनट, ओहो सन किस्ट। तो ये एक साल भी रोलर कोस्टर से कम नहीं था, और इसमें हमारे पास हमने बहुत ही हजारों मेमोरीज है, हमारी छोटी छोटी मेमोरीज भी बहुत सारी, हमने मतलब लोगों ने देखी नहीं, पता नहीं, और एक बहुत अच्छा फैमिली बॉन्ड है हमारा, गवाह है, हमने बहुत पसंद भी किया। तो आज मैं अपने दोनों अनमोल रत्न के साथ बनाने लगा हूँ एफ व्लॉग। ऑब्वियस उसमें सारे हमारे गेम शो कंटेस्टेंट भी होंगे, बट आज का जो मेन थीम प्लॉट है वो है 1 ईयर ऑफ शाहरेज, विच दिस नेम इज क्रिएटेड एंड फाउंडेड बाय आवर फैन पेजेस शाहरेज। सो गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस एफ व्लॉग। अच्छा, इनको मैंने एक सरप्राइज भी देना है, गिफ्ट भी देना है, ऑब्वियस है कि भाई एक साल हो गया तो गिफ्ट तो ये तो देंगे नहीं मुझे, पर मैं तो दूंगा ना यार, मैं तो मतलब फिर मैं तो सबको मतलब पप्पी चुम्मी ना दोनों मेरे। सो आज का दिन हम करेंगे थोड़ा सा चिट चैट विद आवर वेरी ओन बल्लू एंड शातू द टाइगर्स। तो इनसे बात करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, ऑब्वियस सब होंगे तो आपको बहुत सारी मस्तियाँ भी दिखेंगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह एक साल हो गया, बट ऐसा लगता है कि 10 साल की बॉन्ड है हमारी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जेम्स बॉन्ड है, क्योंकि हमारे लड़ाइयाँ भी हुई हैं, तफरुकात भी हुए हैं, बट इन दी एंड वी स्टे टुगेदर। कुछ भी हो जाए, हम तीनों को कोई तोड़ नहीं पाया, बहुत लोगों ने कोशिश करी कि किसी तरह इनके बीच में खलल पैदा कर सकें, पर अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने वो स्पेस आने दिया, ना हमने ऐसा होने दिया। तो शारेस इज फॉर एवर इंशाल्लाह। मैं अभी यहाँ रुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है, चिकन पैटीज लेने हैं, और जो है अपने लिए मुझे कुछ भी लेना। So, मिलते हैं गेम शो के सेट पे, नहीं मेकअप रूम। सो गाइस, वी आर इन मेकअप रूम, और सीन्स कुछ ऐसे हैं, पीछे मेरे बब्बन बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई साहब अपने बाल स्ट्रेट कर रही हैं, उमेर भाई ऐसे बैठ के मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज बड़ा रेयर केस होता है कि मेकअप आर्टिस्ट लेट आते हैं। ये जो हाथ जिसके हिल रहे हैं उसका नाम फातिमा है, और पीछे जिसकी जुल्फे आपको दिख रही है, मुंह थोड़ा कम दिख रहा है, वो आमिर सियाल है, और उमेर भाई हमारे जो है उल्टे आपको बैठे हुए हैं, मस्त उन्होंने लाइटें बनती है, उमेर उजाला कीजिएगा, 1, 2, 3 देगा नहीं नहीं। तो अभी हमारे बॉयज भी नहीं आए हैं, तकरीबन जो है मेजोरिटी जो है ना वो थोड़े लेट आने लगे हैं, अब 6:30 तक आते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होंगे फिर वो शो पे चले आते हैं। तैयारी अभी शुरू करेंगे, मतलब ये वन साइड ड्राई किया चॉक पाउडर, फिर दूसरी साइड ड्राई, फिर मैसी हेडलॉक, और लाली इज रेडी। ओके, बस मिलाते हैं सारे, बल्लू और शातू आ रहे हैं, फिर हम करेंगे कुछ ना कुछ। So guys, ये जो है मोहतरमा आई है, इन्होंने हेयर स्ट्रेट कर ली है, कुछ नहीं की है मैंने, अभी कर रही है ये, असल में इनका कोई एक पता नहीं कौन सा गेम है, बिल्ट इन मुल्तान है ना, नाइस चूड़िया। तो क्या गेम है शुरू करें, बस बस गोरी का गोरी का गोरी हंसते नहीं ना, वो फोन छूटता छोटे पहले
गोरी का गुलाबी अच्छा, गुलाबी अच्छा मारे छाला, मारे छाला हंसे तो नहीं हो चुका दोबारा से हंसे नहीं ना रे वो गोरी का ऐसे बोलते तो थोड़ा कुछ और बोलने में आ जाता है ना, अच्छा मारे छाला, मारे छाला छुड़ावे रसा लाए रे चीनी रोती है इतने ऊपर गेम पता नहीं कहाँ से लाती है ये। मारे छाला मतलब छलांगे मारता है, छुड़ावे रसा मतलब उसकी रस्सी बंधी भी होती है उसको छुड़वाता है। इंग्लिश में बोले ना व्हाइट काउ, व्हाइट काउ इज मक्खी चकी पिंडिगलो, डिगरो पिंडिगलो इन बाजो तो भाई अभी सारे आ रहे हैं और हम इंतजार में कि अपने कब आर्टिस्ट आएगा यार, होना है यार जी व्हाट द हेल इज इंग्लिश मिस्किन उर्दू में खाल छात्र शायद गाली को हो गया दोस्ती पर एक साल इसी बात से सेलिब्रेट करने के लिए हम लाए हैं सबके हिसाब की पेस्ट्री छात्र की गुलाबो चॉकलेट और शायद के लिए चॉकलेट ये पेस्ट्रीज किसकी तरफ से नारे की तरफ से किसकी तरफ बात तो सही है नहीं इसको लारे को सबकी बर्थडे सब चीजें याद रहती है और लारे दिल से पैसा खर्च करने का माहिर है, ये मेन होता है भाई। आज सबको खुश हो जाए तो आ गया हमारी आज जो है इन लोग के लिए क्या गाइस ये हरी बात हो रही है तुम्हें क्या हो रहा है। तो गाइस जब हमारा पहला दिन था और शेज शेज जो है ना नहीं जादू शेज जो है ना यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ शेज बैठा हुआ व्हाइट शर्ट पहन के सही नो ब्लैक शर्ट पहने कड़ाकेदार बैठा हुआ। अब शादा जब मैं मिलना शेज मेरा साधु भाई कैसे ठीक है, हमें थोड़ी पता कि हमारे को मार देंगे मुंह पे। अब हमारे हमें तो बासित था ना शादा जी, मैंने शादा एक न्यूज है बोलती क्या मिल रहा है हम लोग कोई लड़का देने बोलती ये कौन है, मतलब शेज है डांस वांस नहीं करता, इसका भी पारा हाय मेरा भी हाय और ना हम लड़ रहे हैं अली जाकिर से अब शरद ये क्या करते हो हमारे हमारा बासित था ये था, क्योंकि उस वक्त ना बैशिंग बॉल होती थी चैंपियन तो टिकटॉकर थी तो मैंने कहा था मुंह मारी मैं कर लूंगा गेम ये खेलती है बासित पीछे गेम खेलता है बासित को मैं कवर कर लूंगा। शायद भाई दो दिन ना मैं और शादा यूं पूरे गेम शो फिर एक दिन शायद ने गाना गाया और फिर हम यूं हो गए हम लोग सिर्फ गाने का शायद शादा नहीं देखते उसको तो बस फिर हमारे पास जो है ना वो हमारी नरगिस भी आ गई और नूर जहाँ भी आ गई जी नहीं नौरा फतेह भी आ गई और नरगिस भी आ गई। ओहो अबे नरगिस नाचने वाली तो नूर है फतेह गाती थोड़ी है गंडेरी के मुंह वाली से भंग हो गया फतेह नाचती है और नरगिस जो गाती है खूब मत थे अबे नरगिस गाती नहीं है नरगिस लिपसिंग करती है नहीं अच्छा देखा कभी बटाना वाला गाना देखा एक बार जरा पकड़ के देखो कहां चल रहे हैं मुझे भी नहीं पता उससे मैं खड़ा बस और उसका एक गेट सलाने घूम रही है वो भी एटीट्यूड में कर लेना पूरे गाने में उधर बात सुनो पठान मेरे हाथ में मोबाइल दिया हुआ शायद तुमने हमने खैबर टीवी देखा हमें नहीं पता तो पठान से आ रहा है वाले तो शायद माशाल्लाह से आप लोग यार आप जूते गंदे नहीं करें यार ये मैनेजर साहब जूते गंदे नहीं करें माशाल्लाह से ये चार शर्टें सिलवाई हैं ना इन्होंने 535 दफा हो गई कुछ बोलता भी नहीं कुछ ना बेइज्जती रहती हूं शायद भाई ऐसी छुट्टियां होनी है बचपन में स्कूल में बाल बड़े होते थे चले 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 चल सेल सेल के सामने छुट्टी हट अच्छा तो भैया आप सीरियस अच्छा लाइन में खड़ा कर देती थी और सारे बच्चों के सामने पनिशमेंट देती है तो बाल खड़े करके ये बंदा वो अच्छा अक्सर टीचर करते पता क्या कहते मारना नहीं अरे मारना नहीं एक बात एक अक्सर मास्टर साहब पता क्या करते थे इधर तो बाल बनाए छोड़ दे बताता हूँ और ये जो है बैठी है 5:15 और अब हो जाएंगे 6:15 बच्ची अभी तो बैठी है यार आपने देखा ढाकती कैसे है ये
हाँ प्यारी लगती है रोज विदाउट बेस्ट तो उसका मेकअप अच्छा मैं ऐसे रोज ना प्यारी लगती मेरे को नहीं ऐसे यूं यूं एक्शन करती सबसे बोली शताज निकी किससे बात ऐसी की बात क्या आ गई सो गाइस ये थी आज की वीडियो 10 मिनट पे हमने इसको एंड कर दिया 10 मिनट के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है पहली बात तो ये पता है कि क्या कहते हैं नोरा फतेही तो यहाँ पे मेरे घर डांस वांस करती है बॉलीवुड में शायद और शायद नरगिस तो मैंने नाम सुना है अब वो उनके मैं अब जिनके बारे में सोच रहा हूँ क्या वो है या फिर क्या वो नहीं है क्योंकि हमारे बॉलीवुड की काफी ओल्ड एक्ट्रेस अब पहले पुराने थे अब नहीं एक और है तो अब वो पता नहीं उनके बारे में बात कर रही थी या कोई और पता नहीं ठीक है तो हाँ तो मैंने उन्हीं को समझ के बोला भाई मुझे पता नहीं कौन है तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और ये हमें देख के अच्छा लगा कि भाई ये वापस इनकी मस्तियां चालू हो गए गेम शो में जो कि मिस कर रहे थे हम जो कि ये भी चले गए थे सारे मेंबर चले गए थे 7-8 बंदे हमें पसंद नहीं आ रहे थे तो अच्छा हुआ ये गेम शो में थोड़ा सा वापस आए हैं जब तक अपने इनका खुद का शो थोड़ा डिले है ठीक है और इनको दोस्ती को 1 साल हो गया जो कि काफी अच्छी बात है 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा बॉन्डिंग होना बहुत ही मुश्किल होती है लेकिन इन दिनों ने करके दिखा दिया वो काफी अच्छी बात है तो ये थी आज की वीडियो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ काफी उन्होंने के टाइम हो रहा है मिलता है अगली वीडियो में थैंक यू सो मच आपसे सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं लेके आए या ना लेके आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू सो मच।